हाय दोस्तों, मैं हूं अब्राहम। पिछली बार आपको हमने दिखाया था किस तरह मूविंग बॉक्स एनिमेशन बनाना है। इस टाइम हम उसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके एम्बुलेंस लाइट बनाएंगे। तो इसके लिए पहले दोस्तों हमको ES फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, एरो में दबाना है और आगे हमारे एडिट नोट एडिटर, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं। हम इसको स्लाइड करेंगे बाई तरफ, हमने जहाँ पर सेव किया था वहाँ पर जाएंगे, मूविंग बॉक्स डॉट एच टी एम एल, उसमें दबाया मैंने और ES नोट एडिटर में दबाया। आपने अगर मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखा दोस्तों, प्लीज़ उसको देखिए पहले, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर एडिट दबाया मैंने, यहाँ पर जो है हम और एक एनिमेशन बनाएंगे ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर एक कॉमा देना है और इसमें लिखा मैंने, नाम देता हूँ फ्लैश, ठीक है। और जो फ्लैश लाइट होगा वो 1.5 सेकेंड स्पीड में चलेगा, और जो है इसको हम देंगे लीनियर फैशन में चलाएंगे इसको, लीनियर फैशन और इन्फिनिट लूप में, ठीक है। ये तो ठीक है। अभी जो है दोस्तों यहाँ पर हम और एक एड की फ्रेम बनाएंगे, इसके लिए सबसे नीचे गया मैंने, एंटर दबाया, फिर स्पेस दिया, यहाँ पर जो है ऐड की फ्रेम्स लिखना है, ऐड की फ्रेम्स और एनिमेशन का नाम होगा फ्लैश, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर एंटर दो बार, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पर जो है ऐड की फ्रेम्स, यहाँ पर होगा हमारा 0% से शुरू करेंगे, 0% है ना, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसमें क्या करेंगे हम, हमको क्या एनिमेट करना है दोस्तों, हमको एनिमेट बैकग्राउंड कलर एनिमेट करना है। तो यहाँ पर जो है हमको कहा गया वो बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर है बैकग्राउंड कलर, लिखना पड़ेगा हमको बैकग्राउंड और स्पेशल करेक्टर में दबाकर ऊपर खींचना है और माइनस साइन सेलेक्ट करना है, फिर स्पेशल करेक्टर को दबाकर नीचे खींचना है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और इसमें फिर स्पेशल करेक्टर दबाकर ऊपर खींचना है, कॉलन दबाना है और स्पेशल करेक्टर दबाकर नीचे खींचना है। यहाँ पर हम रेड ही देंगे क्योंकि पहले तो रेड है ना, और ये हो गया हमारा, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर इसको इसको हम कॉपी करते हैं, हमने इसको हाईलाइट पूरा हाईलाइट करके ऊपर ऑप्शन होगा मेरा स्क्रीन के ऊपर कॉपी ऑप्शन, वहाँ पर कॉपी दबाया हमने, और अभी जो है एंटर दबाना है, एंटर दबा इसमें कर्सर में दबा कर रखना है कुछ देर तक, जब तक कि पेज ऑप्शन नहीं निकलता है। तो मेरा पेज ऑप्शन मेरे दाहिने तरफ स्क्रीन के दाहिने तरफ निकल गया, उसमें मैंने दबाया फिर पेज हो गया। अभी जो है 0% को हम क्या कितना देंगे, 30% देते हैं, 30% दिया और इसको रेड से वाइट करेंगे, एनिमेट WHITE वाइट है ना, वाइट कलर, और फिर एंटर दबाना है और इसमें दबा कर रखना है, पेज ऑप्शन दबाया हमने, 30 था इसको 60 कर लेते हैं, इस बार वाइट है, अभी इसको हम ब्लू लिखेंगे, BLUE ब्लू, फिर एंटर दबाना है और यहाँ पर जो है इस बार हम फिर पेस करना है, इस बार हम 100% देंगे क्योंकि इतना तक ही चाहिए हमको, अभी ब्लू था फिर से वाइट लेकर वाइट करेंगे इसको, WHITE वाइट। तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा, पहले लाल होगा, उसके बाद सफ़ेद होगा, उसके बाद ब्लू होगा, उसके बाद फिर वाइट होगा। इसको सेफ सेफ में दबाना है, सबसे ऊपर दाईं तरफ सेफ, फिर बैक बैक में दबाना है, फिर से बैक में दबाना है और मूविंग बॉक्स HTML में दबाना है और HTML व्यूअर में दबाना है। अभी देखते हैं, देखा आपने एम्बुलेंस लाइट बन गया दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।